पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पूर्व मीडिया सलाहकार संजय बारू ने अपनी नई किताब में किया है बड़ा खुलासा। बारू ने अपनी किताब 1991 हाउ पीवी नरसिम्हा राव मेड हिस्ट्री में लिखा है कि जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे तब उन्होंने 3 बार इस्तीफे की पेशकश की थी और उस समय प्रधानमंत्री के तौर पर सोनिया गांधी की पहली पसंद शंकर दयाल शर्मा थे। बारू ने यह भी लिखा है कि राजीव गांधी कमजोर प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने अल्पमत सरकार चलाते हुए भी आर्थिक सुधार किए। उन्होंने कोटा राज, परमिट राज से देश को मुक्ति दिलाई, साथ ही साथ कांग्रेस को भी परिवारवाद से मुक्ति दिलाई। इन सब पहलुओं पर नजर डाली है लेखक संजय बारू ने अपनी किताब 1991 हाउ पीवी नरसिम्हा राव ने हिस्ट्री में। हमारे साथ खुद लेखक हैं। आपने अपनी किताब में लिखा है कि आर्थिक सुधार के जनक एक तरह से नरसिम्हा राव थे, तो ऐसे में मनमोहन सिंह की एज एन वित्त मंत्री उनकी भूमिका थोड़ी पीछे रह जाती है? नहीं, ऐसा है, प्रधान नरसिम्हा राव जी ने एक आर्थिक ऑफिशियल से एक बात कहा था कि फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं इट्स लाइक द नंबर ज़ीरो, उनका जो वैल्यू होता है दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर यू पुट इन फ्रंट ऑफ इट। अगर 1 लगाएं तो 1 और 0 10 हो जाएगा, अगर आप 9 लगाएंगे तो 9 और 0 90 हो जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर की जो इम्पोर्टेंस है हमारे सिस्टम में, सभी पॉलिसीज, फॉरेन पॉलिसी लीजिए, डिफेंस पॉलिसी लीजिए, आर्थिक नीति लीजिए, जो भी पॉलिसी है केंद्रीय सरकार में प्राइम मिनिस्टर की अहम रोल होती है। तो मेरा ये किताब लिखने का मकसद ये है कि 1991 से अब तक ज़्यादातर जो आर्थिक राइटर्स हैं, इकोनॉमिक राइटर्स हैं, मीडिया में भी मनमोहन सिंह को जो तो ज़रूर क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था, मगर ये बात भूल गए हैं कि प्रधानमंत्री जब 1991 में नरसिम्हा राव थे। दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे कि आपने अपनी किताब में भी लिखा है कि पूरी आज़ादी थी एक तरह से मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री के रूप में, फिर भी उन्होंने 3 बार इस्तीफे की पेशकश दी थी, वो क्या मसला था जब वो 3 बार दी, और एक बार तो आखिरी बार तो नरसिम्हा राव बहुत नाराज भी हो गए थे? हाँ, बस ऐसा है, ये वित्त मंत्री जब बने मनमोहन सिंह जी, दैट वाज हिज फर्स्ट पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट। उसके पहले वो सरकार में ऑफिशियल थे, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, आर्थिक नीति के जाने माने इकोनॉमिस्ट थे। पहली बार वो 1991 में कैबिनेट में शामिल हुए और पहली बार जो उन्होंने इस्तीफा दिया था इस वजह से दिया था कि अर्जुन सिंह और कई कांग्रेस नेता उनकी नीतियों को विरोध किया। तो जब नरसिम्हा राव जी उनसे कहा कि लुक द क्रिटिसिज्म इज नॉट ऑफ यू बट ऑफ मी, तो पहली बार हो गया बात। दूसरी बार देयर वाज अ क्रिटिसिज्म के बजट सीक्रेट्स कुछ लीक हुए थे, उसके बारे में क्रिटिसिज्म हुआ था। तीसरी बार मेरे ख्याल में वो स्टॉक मार्केट स्कैम जब हुआ था तो काफ़ी पार्लियामेंट में चर्चा चली थी और पार्लियामेंट्री कमिटीज़ भी मनमोहन सिंह जी को क्रिटिसाइज़ किया। तो जब मनमोहन सिंह जब रिज़ाइन किए थे तो नरसिम्हा राव को इरिटेट हो गया कि ये क्या कहा था कि एक पॉलिटिकल पर्सन भी होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। एक सवाल और है कि आपने किताब में लिखा है कि सोनिया गांधी नहीं चाहती थी कि नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाया जाए, वो शंकर दयाल शर्मा उपराष्ट्रपति को बनाना चाहती थी, उन्होंने मना कर दिया था। तो वो आप लिखते हैं कि वो नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, वो एक तरह से अपने दम पर बने साउथ इंडिया के सांसद, तो ऐसी जो ताकत थी तो उसके बाद वो रबर स्टैम्प प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे जैसा कि लोग कहते हैं। मेरे किताब में मैंने बताया कि 1991 में मेजॉरिटी जो MPs थे वो दक्षिण के थे, तमिलनाडु 89 संख्या थी और देवर ऑल विथ नरसिम्हा राव। और दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आर वेंकटरामन थे और पहली बार राष्ट्रपति ने एक नीति अडॉप्ट की कि आई विल नॉट आस्क द प्राइम मिनिस्टर टू टेस्ट हिज मेजॉरिटी, जो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के जो भी लीडर हैं उनको मैं प्रधानमंत्री बनाऊंगा, और उन्होंने नरसिम्हा राव जी को इन्वाइट किया था। आपको लगता है कि राजीव गांधी कमज़ोर नेता थे? बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा मानना है कि आप देखिए, आप किसी से पूछिए, 84 में राजीव गांधी को 400 से अधिक मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मिले, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल गवर्नमेंट्स इफ़ यू टेक द नंबर्स। आजकल हम 272 क्रॉस करें तो सब खुशियां मनाते हैं, उनको तो 400 क्रॉस किया था उन्होंने, फिर भी 89 तक उनका नंबर 400 से 190 गिर गया। तो
उस समय पर नरसिम्हा राव जी ने एक आर्टिकल लिखा था मेनस्ट्रीम मैगजीन में, ये कहते हैं कि राजीव गांधी हैज़ प्रूव टू बी अ फेलियर, दैट ही हैज़ नॉट बीन एबल टू कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ द पार्टी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रह चुके हैं संजय बारू, इसीलिए उनकी एक किताब अहम हो जाती है।